प्रिय मित्रों नमस्कार। मकर राशि के लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का समय आ रहा है। शनि देव ने अपना स्थान बदल लिया है, जो आपके लिए बहुत फलदायी साबित होगा। इस परिवर्तन से आपको कामयाबी, धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, व्यापार वृद्धि, वैवाहिक सुख और प्रेम संबंधों में उत्तरोत्तर प्रगति के अवसर मिलेंगे। अब दुनिया पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का समय आ गया है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। प्रिय दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनि देव ने अपना स्थान बदल लिया है। शनि के स्थान परिवर्तन से मकर राशि वालों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे कि आपके प्रेम संबंध, वित्त, वैवाहिक जीवन, कानूनी मामले, नौकरी, व्यवसाय आदि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भले ही आपकी राशि मकर न हो, फिर भी आप पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि यह एक साधारण वीडियो नहीं है। दोस्तों, यह शनि देव का आपको वरदान मिलने वाला है, इसे अवश्य देखें और लाभ उठाएं। मकर राशि के जातकों, यदि आपको अपनी चंद्र राशि का पता नहीं है, तो भी आप इस वीडियो को अपने नाम, राशि और लग्न के आधार पर देख सकते हैं। दोस्तों, शनि इस समय कुंभ राशि में है, जो कि आपकी मकर राशि का धन स्थान है। शनि की साढ़े साथी चल रही है और वे साथ ही साथ सतभिषा नक्षत्र में भी गोचर कर रहे हैं। शनि ने सतभिषा नक्षत्र का प्रथम चरण पूरा कर लिया है और द्वितीय चरण में प्रवेश कर चुके हैं। जब शनि द्वितीय चरण में प्रवेश करते हैं, तो बड़े परिवर्तन होने लगते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे विनती करता हूं कि कृपया कमेंट में जय शनि देव महाराज अवश्य लिखें। शनि देव महाराज का आशीर्वाद प्राप्त होने पर शत्रु भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और साथ ही सुख, समृद्धि, शांति तथा अपार धन की प्राप्ति होती है। चलिए दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आपकी मकर राशि के स्वामी शनि है। शनि वर्तमान में कुंभ राशि में विराजमान है, जो उनकी ही राशि है। इस प्रकार मकर और कुंभ दोनों राशियों के स्वामी शनि ही हैं। मकर राशि का द्वितीय भाव धन स्थान है और कुंभ राशि द्वितीय भाव में स्थित है। क्योंकि शनि इसी भाव में विराजमान है, इसलिए आपको धन संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आपको लगता है कि जीवन में बहुत सारी समस्याएं और कष्ट आ रहे हैं, विशेष रूप से पैसे से संबंधित। धन संबंधी मुश्किलें और व्यापार में रुकावट आई हुई है। जो पैसा आता है वह ठहरता नहीं है। लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे धोखा दे रहे हैं। रिश्तेदार भी नाराज हो रहे हैं। पति पत्नी के बीच मधुरता खत्म हो गई है। कुछ पत्नियां तो मायके चली गई हैं और रिश्ते टूटने की कगार पर हैं। लेकिन शनि देव की कृपा से मकर राशि वालों को व्यापार और बिजनेस में बड़ा धन लाभ मिलने वाला है। जैसे ही शनि द्वितीय चरण में प्रवेश करेंगे, मकर राशि के लिए यह बहुत ही शुभ और लाभदायक साबित होगा। यदि आप मकर राशि के हैं, तो आपके लिए नौकरी के अवसर अनुकूल रहेंगे। आप अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके अधिक से अधिक धन लाभ अर्जित कर सकते हैं। नौकरी प्राप्त करने का अच्छा समय है। चाहे आपकी पुरानी नौकरी छूट गई हो या आपने खुद इस्तीफा दे दिया हो, अगर आप वर्षों से नौकरी की तलाश में लगे हुए हैं और बार बार इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो मेरा मानना है कि अब आपके लिए एक अच्छी नौकरी प्राप्त करने का सही समय आ गया है। आप में योग्यता तो है ही, बस थोड़ा और प्रयास कीजिए। कामयाबी और सफलता आपके कदम चूमेगी। आपके प्रयासों का शुभ परिणाम मिलेगा। आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। पति पत्नी के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगी। लड़ाइयां, झगड़े और कलह समाप्त होंगे। घर से कलेश और तनाव दूर होगा। दोस्तों, अगर आप अपने लिए एक अच्छा जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं मिल पा रहा है, तो चिंता न करें। एक अच्छा व्यक्ति मिलने में समय लगता है। थोड़ा और इंतजार कीजिए, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। भगवान ने आपके लिए एक आदर्श जीवन साथी को चुन लिया है, वो जल्द ही आपके सामने आएगा। जैसे ही आपको वह सही जीवन साथी मिल जाएगा, मान लीजिएगा कि आपका जीवन ही बदल जाएगा। मकर राशि के लोगों के लिए प्रेम संबंध में मधुरता आएगी, झगड़े विवाद समाप्त हो जाएंगे और पारिवारिक सहयोग मिलेगा। आपका विवाह भी जल्द ही होता दिखाई दे रहा है।
यूं कह सकते हैं कि आपके माता पिता और रिश्तेदारों के सहयोग से आपका विवाह संपन्न होगा और परिणाम अच्छे रहेंगे। मकर राशि के लोगों के लिए विवाह के लिए रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे। अच्छे परिवारों से रिश्ते आएंगे और ये रिश्ते टूटेंगे भी नहीं। जो रिश्ता बनता है वह बिगड़ता नहीं है। दोस्तों, कुछ लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि आपको नौकरी नहीं मिल रही, शादी नहीं हो रही, घर वाले आपकी शादी नहीं करा पा रहे और आप फ्री में खा पी रहे हो। मेरी सलाह है कि ऐसी बातों को अनसुना कर दें। ये लोग खुद अपना काम नहीं करते बल्कि दूसरों पर उंगली उठाने में व्यस्त रहते हैं। इससे उन्हें ही नुकसान होगा। वे आपको मजबूत बना रहे हैं। जब आप कुछ करके दिखाएंगे तो वही लोग आपकी तारीफ करने लगेंगे। बस आप मेहनत करते रहें और अपनी तरक्की पर ध्यान दें। इतना व्यस्त रहें कि दूसरों की बुराई करने का आपके पास वक्त ही ना रहे। अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो अपना वक्त लगाएं, दूसरों की बातों पर ध्यान ना दें। प्रिय मित्र, अगर हम समय नहीं निकालते पढ़ने के लिए, मेहनत करने से बचते हैं, तो हमारे पास दूसरों की बुराई करने के अलावा कोई उपयोगी काम नहीं रह जाता। ऐसा करने से हमारा दिन व्यर्थ में निकल जाता है। लेकिन अगर हमारे सपने बड़े हैं और उन्हें साकार करना चाहते हैं तो हमें मेहनत करनी होगी। बिना मेहनत के कोई भी सफलता नहीं मिल सकती। न तो ग्रह और न ही भगवान बिना मेहनत के कुछ देंगे। मेहनत करने के बाद ही फल मिलता है। आप बहुत अच्छी बातें जानते हैं, लेकिन सिर्फ जानना ही काफी नहीं है। ज्ञान से तभी लाभ होता है जब हम उसे अपने जीवन में उतारते हैं। जो भी अच्छी बातें आप जानते हैं उन्हें अपने जीवन में उतारिए। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अधिकतर लोग जानते तो हैं परंतु उन पर अमल नहीं करते। अगर आप ज्ञान को जीवन में उतारेंगे तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। चाहे आप विद्यार्थी हों या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हों, ज्ञान का प्रयोग करने से आपको सफलता मिलेगी। आपके लिए परिणाम बहुत अच्छे और शुभकारी आएंगे। आप समझ लीजिए कि आपकी नौकरी में सकारात्मक परिणाम निकल कर आएंगे। मकर राशि वाले मेडिकल क्षेत्र और प्रशासनिक क्षेत्र में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। प्रशासनिक क्षेत्र के लिए भी रिजल्ट अच्छा रहेगा। ज्योतिष शास्त्र से जुड़े लोग यदि विदेश जाकर अपनी शिक्षा बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें मौका मिलेगा। बिजनेस से जुड़ी कोई डील करने की इच्छा रखने वाले उसमें सफल होंगे। परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे। मकर राशि वालों को भाग्य का साथ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आपको भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा। महादेव जी की कृपा आप पर बनी हुई है। भगवान शिव और शनि देव जी की कृपा आप पर बनी हुई है। दोनों देवता आपके साथ हैं। अब यह आपको तय करना है कि आपको किसका साथ चाहिए, भगवान का या जनता का। कुछ लोग आपके लिए गड्ढा खोदने के लिए तैयार रहते हैं, आपको पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों का साथ लेना आपके लिए ठीक नहीं होगा। मकर राशि शनि की राशि है। शनि जिसे देते हैं उसे बड़ी मेहनत के बाद ही देते हैं। बिना मेहनत के फल नहीं मिलता। शनि की राशि वाले लोग मेहनती और भाग्यशाली होते हैं। जो लोग कठोर परिश्रम करते हैं, संघर्ष करते हैं, वे ही सफलता प्राप्त कर पाते हैं। दूसरी तरफ जो लोग आलसी होते हैं और दूसरों के सहारे रहकर भाग्य पर भरोसा करते हैं, वे असफल हो जाते हैं। मकर राशि वाले लोग मेहनती होते हैं। शनि किसी को भी मेहनत से वंचित नहीं रखते। मेहनत करने के बाद ही सफलता मिलती है। राजनीतिक क्षेत्र में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा और आपको अच्छा समर्थन मिलेगा। सामाजिक क्षेत्र में भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती दिखाई देगी। चाहे आप सरकारी नौकरी करते हों या निजी क्षेत्र में, आपको पदोन्नति मिलेगी। आपकी सैलरी और आय में वृद्धि होगी। आपका मनपसंद तबादला भी हो सकता है। दोस्तों, मकर राशिफल का यह प्रोग्राम यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर आपको प्रोग्राम पसंद आया हो तो कृपया एक छोटा सा लाइक करें। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो में समझाने का तरीका अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें। जल्द ही हम आपके लिए नया वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। जय श्री सीताराम जी। जय शनिदेव महाराज।